मेरठ में हॉरर किलिंग मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग की सजा में बेटी का गला काट दिया गया। इस अक्षम्य वारदात में बाप ही नहीं बल्कि माँ भी शामिल थी, जिनका अब कबूलनामा सामने आ गया है। माँ ने बेटी को पकड़ा, बाद में उसका गला काट डाला। प्रेम कहानी का ऐसा खौफनाक अंजाम जिसने सनसनी फैला दी। प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, अपनों ने दिया खौफनाक अंजाम। मां ने पकड़े हाथ, पिता ने काट दी गर्दन, गला काट मां बाप का कबूलनामा। गेट तक पहुंच गई थी, वहां से पकड़ के इसको पटके लगा, इसके बाद में गर्दन पर पैर रख करके छुरी से कर देता। मेरठ में प्रेम कहानी को ऐसा खौफनाक अंजाम दिया गया कि पुलिस भी हैरान रह गई। कत्ल की ऐसी वारदात जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। पुलिस की गिरफ्त में ये महिला और पुरुष कातिल हैं अपनी ही बेटी के। इन माँ बाप के हाथ खून से सने हैं। 6 महीने पहले सानिया और वसीम सैफी की प्रेम कहानी शुरू हुई। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे, जिसकी भनक सानिया के माँ बाप को लग गई। घर वाले जब बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान हो गए तो घर का पता बदल लिया, लेकिन बेटी प्रेमी से मिलने की जिद पर अड़ी रही। जानकारी के मुताबिक सानिया घर वालों को चाय में नींद की गोलियां दे देती थी और फिर प्रेमी से मिलने जाती थी, लेकिन 12 अगस्त की रात को जब माँ बाप को शक हुआ तो उन्होंने चाय नहीं पी। जैसे ही सानिया घर से प्रेमी से मिलने के लिए बाहर निकलने लगी तो माँ बाप ने मिलकर उसका गला काट कर हत्या को अंजाम दे दिया। कुछ दिन पहले एक बार गलत हो गई थी लड़की, दोबारा कोशिश कर रही थी निकलने की, इसलिए पकड़ करके हमने मार दिया। गेट तक पहुंच गई थी, वहां से पकड़ के इसको पटके लगा, इसके बाद में गर्दन पर पैर रख करके छुरी से गर्दन काट दी। ऐसा कोई पता नहीं था मुझे, जैसे मतलब बेटी हमारी जी तो ग्रीन हॉस्पिटल में गए हैं 5 बजे, 5:30 बजे, 6:30 पे बेटी भी पड़े हो। अच्छा, ग्रीन में ही रहे, हमारी पहरा में छुट्टी। सर को धड़ से अलग कर दिया गया, सिरकटी लाश को चादर में लपेटकर कब्रिस्तान में फेंक दिया गया और सिर ब्रह्मपुरी थाना इलाके के नाले में फेंक दिया, जिसे अब पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल चाकू और साइकिल भी पुलिस को मिल गई है। पुलिस ने इस सारे क्लूज पर काम करते हुए इसमें घटना में जो शामिल थे माता और पिता, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर जो मृतका का जो सर धड़ से अलग कर दिया गया था, अब इसके आगे हमारे साक्ष्य का मिलान किया जाएगा और जो डीएनए है डीएनए से सैंपल से इस चीज का एस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, इकबाल किया है अपने जुर्म का। हैरानी की बात है, इन माँ बाप को इस वारदात पर कोई अफसोस नहीं है। झूठी शान में अंधे इन हत्यारों ने अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर दी। दोनों के हाथ खून से सने हैं, लेकिन इन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए सनु शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।